आज भारत की आजादी को 75 साल होने को है। वर्तमान देशवासियों के लिए यह कल्पना भी कर पाना मुश्किल होगा कि सन 1947 का भारत कैसा था। तो चलिए आज हम उस सच से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि तब भारत की दशा क्या थी। शिक्षा की बात करें तो आजादी के वक्त पूरे भारत में सिर्फ 12% लोग ही पढ़ लिख सकते थे। पूरे देश में कुल 5000 हाई स्कूल थी, 600 कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटी थी। चलिए इसे थोड़ा सलीके से मुद्दे के मुताबिक समझते हैं। 1947 में भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत ने पहली बार मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच 20 डब्बों वाली ट्रेन चली। इस सफर में महज 33 किलोमीटर के अंतर को काटने के लिए 3 इंजन लगाए हुए थे। फिर भी सफर को तय करने के लिए ट्रेन को 75 मिनट लगे। धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 75,185 किलोमीटर लंबी थी। देश की पूरी रेल व्यवस्था देशी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनी के बटी हुई थी, जिससे आजादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। किराए की बात करें तो पाई से लेकर कुछ आने तक था। 1947 में बॉम्बे में कुल 204 ट्रेनें दौड़ती थी। बॉम्बे शहर की आबादी तब 16 लाख हुआ करती थी, पर उस समय बॉम्बे की सीमा सिर्फ अंधेरी तक ही सीमित थी। अंधेरी की बात का इलाका जोगेश्वरी आउट ऑफ बॉम्बे में गिना जाता था। सन 1947 में भारतीय मोटर गाड़ी। सन 1947 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी गाड़ियों का जमाना आ चुका था। यातायात की बात करें तो ओपन डबल डेकर जैसी बसें दौड़ती थी। किराया तब कुछ 4 आने के पास था और पेट्रोल के दाम 41 पैसे प्रति लीटर थे। सन 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स का भारत में आगमन हुआ था। तब उसके ट्रक बहुत चलते थे, लेकिन आजादी के बाद ही सन 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स की छुट्टी कर दी, क्योंकि जनरल मोटर्स हमारी देसी मोटर्स कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स को कई चुनौती दे रही थी। लेकिन इतिहास ने अपने आप को फिर से दोहराया। 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने ओपन कार बनाने के लिए उसी जनरल मोटर्स के साथ मिलकर वडोदरा में एक फैक्ट्री डाली। 1947 में भारतीय विमान व्यवहार। आपको ताज्जुब होगा कि 1947 में भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज, मिशन एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेक्कन एयरवेज एज सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज जैसे कंपनियां थी। भारत देश में उस समय इतनी विमान सेवा होने के कारण थे कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने कई हवाई जहाज बेच दिए थे। कुछ धनिक भारतीयों ने उसे खरीद कर एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया। कंपटीशन इतनी तगड़ी हुई कि ज्यादातर एयरलाइंस घाटे में आ गई थी। कुछ 8 एयरलाइंस का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके एक नाम दिया जो इंडियन एयरलाइंस है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे। 1947 में भारतीय मुद्रा। दोस्तों, आजादी के वक्त भारत की करेंसी रुपया ही थी। आजकल सोशल मीडिया पे बताने जाने वाले रेट सही नहीं है। सोशल मीडिया पर आमतौर पर ये मैसेज वायरल होते हैं कि तब भारत के एक रुपया एक डॉलर के बराबर था, लेकिन वास्तव में सन 1947 में एक डॉलर बराबर 3.13 इंडियन रुपीज था। बेशक रुपया आज के मुकाबले काफी मजबूत था। बंटवारे के दूसरे दिन पाकिस्तान के सामने ये प्रश्न आया, वो अपने देश में आर्थिक व्यवहार किस मुद्रा में करे, क्योंकि तब नोट छापने के 6 प्रिंटिंग मशीन थी और 6 के 6 भारत के थे। तब पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत के ही नोट पर पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया। सन 1947 में अच्छे क्वालिटी के 1 किलो चावल 26 पैसे में मिलते थे। शक्कर 57 पैसे किलो थी। किरोसिन 23 पैसे लीटर और 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपए में मिलते थे। तब 1 तोला गोल्ड की कीमत 103 रुपए थी। वैसे विश्व युद्ध से पहले गोल्ड की कीमत 39 इंडियन रुपीज थी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद इसे अचानक बढ़ा दिया गया था, इसलिए ये कीमत उस समय के लोगों को अधिक लग रही थी। और लगती भी क्यों ना, तब लोगों की आय भी तो बहुत कम थी। तब एक भारतीय की सालाना आय 265 रुपए थी। तो दोस्तों, हमारे पुरखों ने जिए उस दौर की बातें आप लोगों को कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना।